हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के नागरिकों से आग्रह किया कि वे दूसरे की बात भी सुनने का एहसास रखें। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, दूसरों को सुनने की शक्ति जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे समाज के साथ समस्या ये है कि हम दूसरों की सुनते ही नहीं हैं, हम केवल अपनी ही सुन रहे हैं। साथ ही सुनने का साहस होने से व्यक्ति स्वीकार करता है कि उसके पास अभी भले सही उत्तर ना हो, लेकिन वो उसे तलाशने और खोजने के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ये विचार आज की बदलती जीवन शैली में बढ़ रहे असंतुलित संवाद की ओर इशारा करते हैं। जरूरी है कि अपने कहने के साथ दूसरों की बात सुनने का धैर्य और समझने की मानसिकता के मायने समझे जाएं। आज के दौर में हर कोई कुछ कहने बताने को बेताब है, दिखावटी जीवन शैली के विस्तार से जताने के भाव को इतना बढ़ा दिया है कि जानने की सोच ही खत्म हो गई है। कहने की व्यस्तता ने सुनने की सक्रियता से पूरी तरह दूर कर दिया है। हर किसी को अपना दुख कहना है, अपनी उपलब्धियां बतानी है, अपनी ही तकलीफें साझा करनी है, अपने सुख का लेखा जोखा प्रस्तुत करना है। यह आज के समय का कटु सच है कि हर कोई बस कहना ही चाहता है। ऐसे में अपने बारे में बोलने के चलते लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचने तक सिमट गए हैं। सब कुछ कह जाने की कैसी व्यवस्थता है कि सामने बैठे इंसान के हाल जानने में कोई रुचि ही नहीं बची है। कहने की अति संवाद को कोलाहल बना रही है। आपसी बातचीत का ऐसा असंतुलन जो धीरे धीरे लोगों को सहज संवाद से ही दूर कर रहा है। जाने अनजाने आप भी ऐसे ही कर रहे हैं तो ठहर कर सोचिए। अपनी बात कहने के साथ ही दूसरों के मन की सुनने का भी ध्यान रखिए। माइंडफुल लिसनिंग से बढ़ती हुई दुनिया के हर समाज के लिए एक समस्या बन रही है। हालिया वर्षों में हर उम्र के लोगों में किसी की बात सुनने के प्रति बेरुखी बढ़ी है। ऐसे में जब आप सुनने में ही रुचि नहीं तो समझना तो दूर की बात है। ऑस्ट्रेलिया के चर्चित अदाकार ब्रेन ब्राउन के मुताबिक सुनने के प्रति उतने ही जुनूनी बने जितना आप सुने जाने के इच्छुक रहते हैं। तकलीफ देह है कि आप लोगों में सिर्फ अपनी बात सुनाने की ही इच्छा रहती है। नतीजन माइंडफुल लिसनिंग से बढ़ती दूरी आपसी दूरियां भी बढ़ा रही है। फ्रेंड्स और फैमिली तक भी बेरुखी भरी ये आदत अपनी जड़ें जमा चुकी है। किसी बात को ना सुनने के चलते अब दूसरे कई मानवीय मनोभाव भी व्यवहार से नराधारित है। विनम्रता, केयर, सम्मान जैसी कई बातें मन से किसी को सुनने से ही जुड़ी हैं। किसी के कहे विचारों पर गौर ना करना नकारात्मक बर्ताव ही कहा जा सकता है। ऐसी बेरुखी रिश्तों के रंग को छीनती है, बातचीत में भी असहजता रहती है। जबकि दुनिया में कई हिस्सों में अब माइंडफुल लिसनिंग का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। शिक्षक महसूस कर रहे हैं कि सुनना एक कौशल है जिसे सिखाया जा सकता है। किसी को मन में सुनना हमें जीवन बनाए रखने वाला इमोशन है। यह कामकाज की बेहतरी और संबंधों की गुणवत्ता का आधार है। शिकागो में जब एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में शीर्ष अधिकारियों ने उनकी जॉब में सुनने की भूमिका का रिव्यू करने के लिए कहा तो हैरान करने वाली बातें सामने आई। खासतौर पर तीन टिप्पणियों में अधिकारियों ने अपने विचार बताए। एक ऑफिसर के अनुसार, सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुनना अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इसके बारे में जानने के बाद मुझे लगता है कि शायद मेरा 80% काम मेरे द्वारा किसी को सुनने पर या किसी और के सुनने पर निर्भर करता है। दूसरे अधिकारी ने कहा, मैं इन चीजों के बारे में सोच रहा हूं जो पिछले कुछ वर्षों में गलत हो गई है, और मुझे अचानक एहसास हुआ कि कई परेशानियां किसी के कुछ ना सुनने या उसे गलत तरीके से समझने के कारण हुई है। तीसरी टिप्पणी में ऑफिसर द्वारा कहा गया, यह मेरे लिए दिलचस्प बात है कि हमने कंपनी के संवाद में कई पहलुओं पर विचार किया है, हमने अनजाने में सुनने को नजरअंदाज कर दिया है। मैंने समझ लिया कि यह कंपनी के आपसी बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और यही कड़ी सबसे कमजोर भी है। असल में व्यक्तिगत जीवन को लेकर कामकाजी दुनिया और घर परिवार से लेकर दोस्तों के मेलजोल तक हम सब भी आपसी कम्युनिकेशन को रिव्यू करेंगे तो ऐसे ही ख्यालों से सामना होगा। इसका सीधा अर्थ है कि आपसी संवाद में ना केवल सुनना जरूरी है बल्कि सही ढंग से सुनना और समझना भी आवश्यक है। आज के लिए इतने ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए विनेशन न्यूज़।